कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूं। गुरु महाराज जी अभी वॉशरूम गए हैं, अभी आ रहे हैं। देखिए बड़ा अद्भुत शक्ति है उनमें, उनके स्पर्श मात्र से ही, उनके दर्शन मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती है। अभी विजय गोयल जी ने सही बताया कि एक दिव्य शक्ति उनमें है। मैं वैसे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, मंचस्थ सभी महानुभावों को नमन और आप सभी कृष्णों को कोटि कोटि नमन। अद्भुत है यह नाम कृष्ण, जिस नाम के उच्चारण मात्र से ही ऐसी अनुभूति होती हो, ऐसा उद्गार होता हो, ऐसा आनंद होता हो। जरा समझ लीजिए, जिसके उद्गार मात्र से ही ऐसा होता है, उसको प्राप्त करने से क्या होता होगा। जिसके स्पर्श मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती है, जब वो साक्षात अर्जुन के समस्त खड़े होंगे, जब वो साक्षात कह रहे होंगे, तो क्या होता होगा, जरा सोच के देखिए। ये छोटा विषय नहीं है। मैं कभी कभी जब श्रीला प्रभुपाद जी के विषय में सोचता हूं, तो मैं विश्वास नहीं कर पाता कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वो ये कर सकता है। मैं आपको बताऊं, आज से बहु वर्ष पहले जब मैंने सामाजिक जीवन आरंभ किया, मैं बहुत गरीब परिवार से आया, दिल्ली में आया, दिल्ली का था नहीं, तो मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ी मेडिकल कैंप करने के लिए। तो यहां एक हॉस्पिटल है दिल्ली में सुंदरलाल जैन के नाम से, तो मैं उनके मालिक वीके जैन के पास गया। आज वो 80 साल से ऊपर के हैं, वो मेरे मित्र हैं। 80 साल से मित्रता तो किसी से भी हो सकती है। मैं उनके पास गया और बातों बातों में मैंने एक दिन उनको कहा कि मैं कृष्ण भक्त हूं और मैं इस्कॉन वर्षों से बचपन से जाता रहा हूं। तो उन्होंने एक बात कही मुझे जो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा, जब हम छोटे छोटे थे और हमारे पिता अर्थात सुंदरलाल जैन, जिनके नाम पे ये अस्पताल है, उनका अस्पताल होया करता था दरियागंज में, उनका अस्पताल नहीं, उनका प्रिंटिंग प्रेस होता था दरियागंज में, तो उस प्रिंटिंग प्रेस में हम बैठ के पिताजी को काम करते हुए देखते थे, हम भी वहीं पढ़ाई करते थे। तो उस समय एक साधु आते थे उनके दुकान पे, उनके प्रिंटिंग प्रेस में, और कहते थे कि ये कुछ कागज है, ये छाप दीजिए, ये कुछ कागज है, वे छाप दीजिए, 100 प्रति छाप दीजिए, 50 प्रति छाप दीजिए। तो ये छापते थे, ये जैन थे, ये भी संन्यास बहुत मानते थे, ये छाप देते थे, कोई वित्त नहीं लेते थे, कोई धन नहीं लेते थे, क्योंकि साधु महाराज धन दे भी नहीं पाते थे। ऐसे करके एक बड़ा सा अमाउंट बन गया। तो एक दिन उन्होंने कहा, साधु महाराज इसका बिल विल कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो सब कृष्ण देगा, मैं तो क्या करूं, कृष्ण देगा। तो उन्होंने कहा, ये क्या है, ये कागज आप जो छापते हैं, इसमें क्या है? फिर देखा ध्यान से, उसमें लिखा था बैक टू गॉडहेड। तो उन्होंने कहा कि आप ये एक एक पन्ना छापते हैं, क्या करते हैं? तो साधु महाराज ने कहा कि मैं नई सड़क में रहता हूं और टाउन हॉल के सामने खड़े होकर शाम को जो आपसे छाप के ले जाता हूं, उसकी एक एक प्रति जो भी वहां से गुजर रहा होता है उसको देता हूं और कहता हूं, जरा कृष्ण के बारे में पढ़ो, जरा कृष्ण को जानो, और मैं एक एक प्रति देता हूं। जरा सोच के देखिए, वही भक्ति वेदांत प्रभुपाद जो एक दिन टाउन हॉल के सामने खड़े होकर एक 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 प्रति बांटते थे कृष्ण का, उस व्यक्ति ने क्या अद्भुत चमत्कार कर दिया। पूरे विश्व में आज कृष्ण का डंका बजता, कृष्ण का ही विश्व है, कृष्ण का ब्रह्मांड है, मगर उस नाम को कहां तक पहुंचा दिया, अगर ठान लिया जाए। और जिस पानी के जहाज का जिक्र अभी विजय गोयल साहब कर रहे थे, एक बार नहीं, 2 हार्ट अटैक हुए उनको उस जहाज में। और मुझे याद है, मैंने बहु वर्ष पहले पढ़ा था, जब वो उस पानी के जहाज से उतर रहे थे तो उन्होंने लिखा है अपने कांपते हुए हाथ से, मगर अक्षर बहुत ही सुंदर, उन अक्षरों में स्वामी महाराज ने लिखा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो इस पाश्चात्य जगत को जानता तक नहीं हूं, धन नहीं है,
किसी एक व्यक्ति को नहीं जानता हूं, यहां उतरूंगा तुम्हारा काम करने उतरूंगा। तुमने मुझे आदेश दिया है कृष्ण कि जाओ वहां पर प्रचार करने के लिए, मैं तुम्हारे उंगली को पकड़कर उतर रहा हूं, मेरी उंगली पकड़कर अपना काम करा देना। और इस अद्भुत विषय को देखिए, कृष्ण ने प्रभुपाद के उंगली पकड़कर उनके काम को कराया है। याद रखिए, जब कृष्ण को उतर के अपना काम कराना होता है, वो उतर के आता है और अपना उंगली देकर, अपना हाथ पकड़कर काम करा लेता है। हरि बोल। इसलिए कभी 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 संशय मत रखना, शक कभी मत रखना। जब तक द्रौपदी ने ऐसे करके वस्त्र को पकड़ा हुआ था, तब तक कृष्ण नहीं आए। जिस क्षण द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया कि कन्हैया बचाओ, जिस समय उसने छोड़ दिया कि मैं अपनी लाज बचा नहीं सकती हूं, मैं मेरे दोनों हाथ ऐसे करने से मेरा वस्त्र बच जाएगा, ये मेरा भ्रम है, मैंने अपना, क्योंकि द्रौपदी के मन में था कि पता नहीं कृष्ण बचाने आएगा या नहीं आएगा, मैं तो पहली कोशिश करती हूं। उसने पहला कोशिश किया, अपने हाथों से अपने वस्त्र को दबा के रखा, बचाने की कोशिश की। ये अपना हाथ क्या होता है? ये अपना हाथ अहंकार होता है। कहीं ना कहीं तिल मात्र अहंकार शेष था कि नहीं, शायद मैं ही बचा लूंगी, शायद मैं ही अपने वस्त्र को नहीं छीनने दूंगी, दुशासन छीन नहीं पाएगा मेरे वस्त्र को, मैं रक्षा कर लूंगी अपना। मगर जब वह नहीं होया, दुशासन ने झटका दिया और साड़ी खिसक गया, तो उसने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, अब मैं नहीं, अब तू ही तू, अब तू ही तू। और उसी क्षण हमारे परम पिता, हमारे कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने अद्भुत कर दिया है। अहं को छोड़ने की आवश्यकता है, परम को धारण करने की आवश्यकता है। परम तो सदैव अपनी हाथ को बढ़ाया हुआ है, हम उसके उंगली को पकड़ के तो देखें, पकड़ते कहां है उसके उंगली को? हमें विश्वास उसके उंगली पर नहीं है, हमें अहंकार अपने दिमाग पर है। इस अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता है। कृष्ण चाहूं दिग्दिशा में है, अंतिम आकर्षण इति कृष्ण, वो अंतिम आकर्षण है, वो ऐसा आकर्षण है जिसको प्राप्त करने के पश्चात पाने के लिए कुछ शेष न रह जाए, वह आकर्षण कृष्ण है। हम इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में सुख ही इच्छा, द्वितीय इच्छा नास्ती, कुछ सुखों के लिए लड़ते हैं, इंद्रियों के सुखों के लिए लड़ते हैं, मगर जब एक बार कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं तो ये सारे सुख तुच्छ नजर आते हैं, क्योंकि रसो वही सब, वो रस है, वो रसखान है, वो रसों की पोटली है। जो एक बार रस में डूब जाए तो उसे, जिसको रसगुल्ला मिल जाए उसे गुलगुला खाने की क्या आवश्यकता है? जिसको रसगुल्ला मिल जाए, जिसको कृष्ण मिल जाए, उसको इस संसार की क्या आवश्यकता है? मोर पखासर गर्वन माला, मोर पखासर गर्वन माला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे, वृंदावन की कुंज गलिन में लगावे, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।